दोस्तों वैसे तो सीबीआई ऑफिसर्स इस केस की इन्वेस्टिगेशन लगातार कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ सुशांत सिंह राजपूत के फैंस अपने तरफ से पूरी इन्वेस्टिगेशन जारी रखे हुए हैं। इस केस को इन्वेस्टिगेट करते हुए कुछ फैन पेजेस ने इस बात का खुलासा कर दिया है कि आखिर इस केस में कौन है अहम दोषी। दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं कि किसका किरदार सुशांत सिंह राजपूत केस में सबसे ज़्यादा है, अगर आपको पहले से पता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको नहीं पता है तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों इससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट मैं आप सभी तक सबसे पहले लेकर आने की कोशिश करती हूँ। ऐसे में चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत के 3-4 फैन पेज लगातार इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उन्होंने इन्वेस्टिगेट कर सुशांत सिंह राजपूत केस में अहम दोषी का नाम जाहिर कर दिया है। उस दोषी का नाम है रिया चक्रवर्ती और संदीप सिंह। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिया चक्रवर्ती सिद्धार्थ पिठानी की शादी में नहीं पहुंची थी, और उन्होंने 27 तारीख को एक वीडियो अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम के स्टोरी पर, और उन्होंने बताया था कि वो कितनी ज़्यादा खुश हैं। उनका कहना है कि वो एक इनोसेंट गर्ल हैं जिनके ऊपर लगातार आरोप लगाए जा रहे हैं, और उनके साथ भी नेपोटिज्म का जो खेल है उसे दोहराया जा रहा है, क्योंकि उनका कोई गॉडफादर नहीं है। इसकी वजह से ही रिया चक्रवर्ती को लगातार सुशांत के केस में और ज़्यादा धकेला जा रहा है। दोस्तों आखिर रिया चक्रवर्ती किस गॉडफादर की बात कर रही हैं? हम सभी जानते हैं कि महेश भट्ट उनका गॉडफादर है, और महेश भट्ट की वजह से ही वो अब तक बॉलीवुड इंडस्ट्री में टिकी हुई हैं। हालांकि आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि महेश भट्ट का नाम 5वें नंबर पर आ रहा है इस केस में अहम दोषी के नाम पर, और 3रे नंबर पर नाम आ रहा है सलमान खान का। दोस्तों अब आगे आने वाले दिनों में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी और कब तक इंसाफ मिलेगा, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। दोस्तों अगर आप भी सुशांत सिंह राजपूत के फैन हैं तो इसे चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वह हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है, और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज ट्विस्ट में। मैं हूं आपके साथ आयशा। दोस्तों अर्णव गोस्वामी वापस आ चुके हैं। जी हां दोस्तों, अर्णव गोस्वामी इतने दिनों से सुशांत सिंह राजपूत केस में कोई भी नई अपडेट नहीं दे रहे थे, पर उन्होंने आज सोशल मीडिया पर आकर अपनी हाजिरी दे दी। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत केस में उन्हीं को फंसाया जा रहा है। स्टार्टिंग से ही अर्णव गोस्वामी किस तरीके से सुशांत को इंसाफ दिलाना चाहते हैं ये बातें हम सभी से छुपी नहीं है, पर अब अर्णव गोस्वामी को इस केस में किस तरीके से लपेटा जा रहा है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अब रिपब्लिक टीवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा चुका है। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि रिपब्लिक टीवी शिवसेना को सपोर्ट नहीं करती है, जिसकी वजह से लगातार रिपब्लिक टीवी महाराष्ट्र सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रही है। दोस्तों एक तरफ अर्णव गोस्वामी अपने आप को इन सभी लांछन से बचाते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ वो लगातार अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं सुशांत को इंसाफ दिलाने के लिए। अर्णव गोस्वामी ने एक और नई अपडेट दे दी है। अर्णव का कहना है कि इस केस में अब दूसरे सीबीआई ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की ज़रूरत पड़ चुकी है, क्योंकि अब देखा जा चुका है कि जो ये ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उनकी चाल बिल्कुल कछुए की तरह है और कोई अंजाम नहीं मिलने वाला है। 10 महीने से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है, अब तक इन सीबीआई ऑफिसर्स ने कोई नई इन्वेस्टिगेशन, कोई नई जानकारी नहीं दी है, जिसको लेकर अर्णव गोस्वामी और साथ ही कुछ फैन पेज के तरफ से सुप्रीम कोर्ट को याचिका दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि अब इस केस की सुनवाई 3 अगस्त को होगी और इन ऑफिसर्स को चेंज करके कोई नए ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएंगे। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे सीबीआई ऑफिसर्स में से 2 ऑफिसर्स ने सोशल मीडिया पर आकर इस बात की जानकारी दी कि उन्होंने अब तक ये नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था, बल्कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया से अपनी मर्जी से अलविदा कहा था। इस पर लगातार खोजबीन जारी की गई है। जी हाँ दोस्तों, पहले राउंड की इन्वेस्टिगेशन खत्म हो चुकी है, पर अब तक सीबीआई ऑफिसर्स को कोई ऐसी नई सबूत नहीं मिली है जिससे कि ये पता चल सके कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया को क्यों छोड़कर गए थे। दोस्तों आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सीबीआई ऑफिसर्स किस तरीके की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। दोस्तों
सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट करने के लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। इस चैनल को सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंच सके। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, एक तरफ तो सुशांत सिंह राजपूत की फैमिली रिया चक्रवर्ती पर तोहमत लगा रही है, उन पर इल्ज़ाम लगा रही है, वहीं दूसरी तरफ रिया चक्रवर्ती भी चुप नहीं बैठ रही हैं। उन्होंने भी अब सुशांत सिंह राजपूत की बहन मीतू सिंह पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई है कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया जाए। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा उन्होंने FIR दर्ज भी करा दी है। दोस्तों, अब मीतू सिंह के खिलाफ क्या कुछ कार्रवाई करने वाली है रिया चक्रवर्ती, चलिए आपको इसके बारे में बताते हैं। इससे पहले मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोस आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर चली गई थी। वहीं 9 जून को मीतू दीदी यानी कि सुशांत सिंह राजपूत की बहन उनके घर पर रहने आ गई थी और वो 12 जून को सुशांत का घर छोड़कर चली गई थी। यानी कि रिया चक्रवर्ती के उनके घर से चले जाने के बाद उस घर में आई थी मीतू सुशांत सिंह राजपूत की बहन। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि रिया चक्रवर्ती ने जो FIR दर्ज कराई है उसमें इस बात का मुद्दा उठाया है कि मीतू ही वो शख्स है जिसको पता था कि आखिर 13 जून को क्या होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए एक और चीज़ बता दूं कि CBI ऑफिसर्स लगातार हर किसी को शक के दायरे में रख कर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। हालांकि CBI ऑफिसर्स का कहना है कि उनकी नज़र हर किसी पर है, पर उनकी सिर्फ नज़रें ही हर किसी पर है। क्या कुछ वो लोग कर रहे हैं इससे उनको कोई लेना देना नहीं है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अब तक CBI ऑफिसर्स ने कोई भी नई और बड़ी जानकारी सुशांत सिंह राजपूत फैंस को और जनता को नहीं दी है, जिसको देखते हुए सुशांत सिंह राजपूत के एक फैन पेज ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज करा दी है कि इन ऑफिसर्स को चेंज कर कोई एक नई टीम बनाई जाए और इस केस की सुनवाई अब 3 अगस्त को की जाएगी, 2021 से 3 अगस्त को की जाएगी। अब देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इन CBI ऑफिसर्स को बदलने के बाद भी क्या कुछ फ़ायदा होता है। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हमारी लड़ाई तब तक जारी रहेगी। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमें सपोर्ट कर सके और सुशांत सिंह राजपूत को सपोर्ट कर सके। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई है इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद। दोस्तों, अभी इस केस में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं उन्होंने एक सवाल खड़ा कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशांत सिंह राजपूत के सपोर्ट में एक बात कही है। उन्होंने जिस तरीके से देखा है सोशल मीडिया पर कि क्या कुछ हो रहा है और 14 जून को जो कुछ भी हुआ दिल्ली में, इससे इस बात का तो अंदाज़ा लग चुका है कि ये एक ग्लोबल लड़ाई है और किस तरीके से 14 जून को सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में सुशांत को याद किया गया और उनको श्रद्धांजलि दी गई। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि नरेंद्र मोदी ने इस बात का ऐलान कर दिया है कि अभी इस केस की इन्वेस्टिगेशन जो CBI ऑफिसर्स कर रहे हैं वो भारत सरकार के निगरानी में रहकर करेंगे। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र सरकार जो कि शिवसेना पार्टी की है, उन लोगों ने अब एक मीटिंग में इस बात को साबित कर दिया है और इस बात को कहने में बिल्कुल भी संकोच नहीं किया कि इन लोगों को फंसाया जा रहा है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार मुंबई पुलिस किस तरीके से इस केस में इन्वॉल्व है और किस तरीके से वो दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है। हम सभी जब तक इस केस को संभाले हुए हैं, इस केस की छानबीन कर रहे हैं, ये केस इतनी आसानी से बंद नहीं होगा। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत केस में इन्वेस्टिगेट कर रहे 2 CBI ऑफिसर्स ने इस बात को क्लियर कर दिया है ट्विटर पर कि उन्होंने अब तक ऐसा नहीं कहा है कि सुशांत सिंह राजपूत का मर्डर हुआ था। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब साफ है कि जो भी CBI ऑफिसर्स इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं वो सिर्फ नाम के लिए धारा 302 लगाकर घूम रहे हैं, बाकी सारी इन्वेस्टिगेशन सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड किया है इस पर ही किया जा रहा है। दोस्तों, एक फैन पेज की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज कराई गई है कि अब सुशांत सिंह राजपूत केस में जो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं CBI ऑफिसर्स उन्हें चेंज किया जाए क्योंकि 10
महीने का वक्त गुजर चुका है और अब तक इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं हुई है। दोस्तों अब आने वाले दिनों में नरेंद्र मोदी इस केस को कितना सहयोग करते हैं ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। हालांकि उनके ट्विटर अकाउंट से सुशांत सिंह राजपूत फैंस को धैर्य रखने की बात कही जा रही है। दोस्तों सुशांत सिंह राजपूत के लिए इस वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत को जब तक इंसाफ नहीं मिल जाता हम सभी की लड़ाई यूं ही जारी रहेगी। हमारी इस लड़ाई में हमारा साथ देने के लिए चैनल को बिना सब्सक्राइब के वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। इस वीडियो के माध्यम से जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो हमें सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हुई है। इस बात में कितनी सच्चाई इसका पुष्टिकरण हमारा चैनल नहीं करता है और ना ही किसी भी तरीके की अफवाहों को फैलाना हमारे चैनल का उद्देश्य है। आपका कीमती समय देने के लिए हमें धन्यवाद।